ये जी महामारी फैली है इसका कारण लोग नहीं है, कितने ना कितने सरकार भी है। जी हैरानी की गल है कि 30 जनवरी को हिंदुस्तान के पहला केस मिलता है तो 30 जनवरी को WHO जोड़ा है वो अंतरराष्ट्रीय जी है एक विपताकालीन जी है एमरजेंसी जी है वह ऐलान करता है। तो साड़ी सरकार जी है वह 24 फरवरी तक ट्रंप के स्वागत के थालियां बजा है। माफ़ी मंगनी चाहिए है जिम्मेवार जोड़े लोग है जोड़े हजूर साहब तो आए श्रद्धालुओं दोषी कह के जोड़ा है वह भंड रहे हैं, चाहे वह हजूर साहब के श्रद्धालु है चाहे बारे सूबे तो आए लेबर क्लास के लोग है, उन्होंने दोषी कहना जोड़ा मैं समझना एक घटिया दिमाग की बस। सोशल डिस्टेंस जोड़ा है कदें भी साढ़े सभ्याचार का हिस्सा नहीं रहा। इस बीमारी के कारण सरकारां दे सेहत विभाग जिहड़े है वो सोशल डिस्टेंस की पालना करन दा आदेश दे रहे हैं, लोगों को दिक्कत आ रही है लेकिन ये बावजूद भी लोग जिहड़े है सोशल डिस्टेंस की पालना कर रहे हैं। ये जिहड़ी महामारी फैली है इहदा कारण लोग नहीं है, कितने ना कितने सरकारां भी है। तुसीं भारत देखो हिंदुस्तान के अंदर 30 जनवरी को पहला केस जिहड़ा केरल दे विच मिलदा है तो 30 जनवरी को ही WHO जिहड़ा है वो सारे संसार दे विच एक विश्व अंतरराष्ट्रीय जिहड़ी है वो महामारी घोषित करता है, अंतरराष्ट्रीय एमरजेंसी का ऐलान जिहड़ा है WHO करता है। किड्डी हैरानी की गल है कि 30 जनवरी को हिंदुस्तान दे विच पहला केस मिलता है तो 30 जनवरी को ही WHO जिहड़ा है वो अंतरराष्ट्रीय जिहड़ी है एक विपताकालीन जिहड़ी है एमरजेंसी जिहड़ी है उहदा ऐलान करता है। तो साड़ी सरकार जिहड़ी है वह 24 फरवरी तक ट्रंप के स्वागत के थालियां बजाती है तो लोग कितने दोषी है, क्यों नहीं फ्लाइटा बंद कर दी गई, क्यों नहीं जिहड़ा है सब प्रबंध जिहड़े अगाऊ कर दिए गए। तो हुण भी जिहड़ा है जिहड़े साडे पंजाब तो बाहर जिहड़े साडे भावें लेबर क्लास के लोग सी चाहे वह श्रद्धालु सी फसे हुए सी तो सरकार का फर्ज बनता सीगा कि करफ्यू लाउणा है या लॉकडाउन करना है तो घट्टो घट 48 घंटे पहला जिहड़ा लोगों नूं सूचना दिंदी ताकि सारे लोग अपने अपने घर के पहुँच जाते, एकदम जिहड़ा है वो करफ्यू लगा दिता जाता है। थां थाई जिहड़े लोग है जिहड़े वो सूबे के नहीं पंजाब सूबे के नहीं बल्कि सारे सूबों के लोग जिहड़े है एक दूसरे सूबों के फस जाते हैं, उन्होंने लियाउण दे जिहड़े 1.5 महीना उपराला नहीं किया जाता तो जे किया जाता है तो बड़े शलाघाजोग है उपराला किया गया है या किया जाता है तो फिर जिहड़े है वो ध्यान नहीं रखा जाता, लापरवाही वरती जाती है तो कोरोना जो पॉजिटिव निकले आते हैं तो फिर उन्होंने जोड़ा दोषी करार दिता जाता है। ये सारिया गलों बातें जीडिया ये बिल्कुल गलत है। तबलीगियों के वागू मतलब जो हम हजूर साहब वालों दोषी ठहरा लिया पहले तबलीगियों मैं पहले कह चुका हूं एक मिनट इस तरीके मतलब राजपुरे के मतलब एक हुक्का पार्टी ने मतलब हुक्के के राही उतो जो सब तो वध केस आए उन्होंने दस्या हुक्का पार्टी के राही आए उन्होंने विरुद्ध कोई भी मतलब नहीं बोल रहा कोई कर रहा। देखो हिंदुस्तान के अंदर जो कोई छोटा अपराध करता है तो उन्होंने NSA भी लगी है, देश द्रोह भी होया तो वड्डे अपराध वाले जिहड़े है वो छोटे छोटे मुकदमों के बरी भी होए हैं। कौन तय करता है कि यह छोटा मुकदमा जिहड़ा है ये NSA के तहत आउंदा है या वड्डे जिहड़े मामले जिहड़े वो NSA के तहत नहीं आउंदे, साडा सिस्टम तय करता है। मैं पहले भी कह चुकिया कि हिंदुस्तान के अंदर यह बहुत घटिया किस्म की हरकत है कि अपराध जिहड़ा है वो एको ही है लेकिन उसकी व्याख्या जिहड़ी है वो अलग अलग की जाती है, यह गलत गल है। कहोगे जो वार बार दोषी कहा जाता लोगों की अपील है माफ़ी मंगनी चाहिए है जिम्मेवार जोड़े लोग है जोड़े हजूर साहब तो आए श्रद्धालुओं दोषी कह के जोड़ा है वह भंड रहे हैं, चाहे वह हजूर साहब के श्रद्धालु है चाहे बारे सूबे तो आए लेबर क्लास के लोग है, उन्होंने दोषी कहना जोड़ा मैं समझना एक घटिया दिमाग की बस। मीडिया मीडिया ने भी एक मतलब बहुत है गल मैं सारे मीडिया नहीं कह कहना चाहगा लेकिन मीडिया का व्डा हिस्सा जोड़ा है वो रोल अदा कर रहे हैं ये जिहड़े साडे पीड़त आ रहे हैं इन्हां नूं डिमोरलाइज करन लई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਣੀਆਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਬ ਹੈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮਨਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
अदालत के बिना दस्तार तो कशहरा भी जो अपन पता भी शायद वो जो अंदर हो गए नहीं पाया होगा उन्होंने चोणा जड़िया दिसदियाँ कुटमार उस तो बाद मीडिया जरा अजे भी मीडिया छोड़ो पंजाब पुलिस है जी जिंदा हाथ वड्या से उनके फुलों का स्वागत चढ़ाने वाली गल्ला इन्हें तो तुम्हें लगता भी क्यों चढ़ाया जा रहा है एक अधिकारी आपकी ड्यूटी करता सी नैंग सिंह आपके सुभाव मुताबिक करते ये सिख पत्रकारों के मुकदमे परमपाल सिंह है भुपिंदर सिंह सज्जन है उस तो बाद वारी भी हो सकती है मैं ये पहले ही विरोध कर चुके हैं कि जिन्हें अपराध किया सज़ा दो वह भी बनते कानून के मुताबिक पर उन्होंने नाल बाकी दोषियों फड़े जाना जोड़ा है वह बहुत व्डे सवाल पैदा करता है बहुत गलत गल है दूसरी गल है कि इस गल में जोड़ा बधा चढ़ा के जोड़ा एक हवा बना के पेश करना ये भी मैं समझना कि प्रशासन की कोई सियानप नहीं है